Good evening friends. Welcome to my YouTube channel. And if you like my channel, please subscribe. As you know, myself is Shuprakash. And I am today I am going to tell you a few tips within a very short video. So, what are my tips? What are those tips? Okay, so my tips today are कि आप एक अच्छा सुपरवाइजर कैसे बन पाओगे देखिए जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है इस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज दे हैव लॉट्स ऑफ स्किल देर स्किलफुल पर्सनस ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो है जो यंगस्टर्स के लिए है जो आज काम कर रहे हो एंड आगे जाके आपको सुपरवाइजर बनना है एक सेक्शन का इंचार्ज बनना है एक ऑफिसर बनना है जो भी आपको बनना है जो भी आपका अंदर ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए मेरा ये वीडियो है सो फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हो सकता है कि आपके साथ ये मैच ना हो आपके साथ ये मिसमैच करे लेकिन मुझे ये लगता है ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है क्योंकि काम करते करते मैं थोड़ा बहुत जो सीखा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो so फ्रेंड्स uh, मैं आज जो बोलना चाह रहा हूं क्या अगर आपको एक अच्छा सुपरवाइजर बनना है तो आपको आपका टीम के साथ काम करना पड़ेगा आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बनना पड़ेगा ओके आपका साथ जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं वो टीम मेंबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है हो सके तो आप एक फ्रेंड की तरह उन लोगों के साथ घुल मिल जाओ एंड आप काम करो एंड इसके ऊपर भी मैं बोलना चाहता हूं क्या आपका जो टीम आपके साथ काम कर रहे हैं तो उस टीम को आप हर टाइम मोटिवेट करो जो आपका टीम मेंबर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप सवासी दो यू क्लैप देम आप उनको तालियां बजाओ उनको बोलो भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यू आर अ ग्रेट वर्कर सो ऐसा आप अपना टीम का जो मनोबल है जो मेंटल हेल्थ का जो हेल्थ है उसको थोड़ा मोटिवेट करो तो जितना मोटिवेट कर पाओगे अपना टीम को वो टीम उतना अच्छा काम करेगा उतना वो अच्छा आगे बढ़ेगा किसी किसी का सोचना है क्या हम हमने जूनियर को बहुत बोल दिया बीइंग सुपरवाइजर हाँ बींग ऑफिसर हम एक हाँ, मेरा जूनियर को बहुत गाली दे दिया बहुत डांट दिया बहुत कुछ बोल दिया उससे कुछ होता नहीं है उसमें उससे क्या होता है मेरे, मेरा पर्सनल फीलिंग्स है उससे वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा एंड वो जो भी काम करता कर, कर, कर रहा है उससे भी उसका काम और भी खराब होते जाएगा तो सो फ्रेंड ये जो यंगस्टर्स है उसको मैं बोल रहा हूँ जे आप सबको रेस्पेक्ट दो आपका अंदर जो भी काम कर रहे हैं मान लो ग्रुप डी स्टाफ भी काम कर रहे पीओन भी काम कर रहे आपके अंदर तो उनको भी रेस्पेक्ट दो उनके साथ भी अच्छा बात करो उनके साथ भी अच्छा पेश आओ वो तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा वो आपके लिए बहुत काम करेगा तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके साथ मिसमैच भी, भी हो सकता है लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि एक अच्छा सुपरवाइजर को हर टाइम एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए क्योंकि जब तक एक अच्छा सुपरवाइजर एक अच्छा इंसान ना बने तब तक उसका टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है एंड और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि देखिए आपका जो सुपरवाइजर है वो उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो एरिया ऑफ वर्क में उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है अगर उस एरिया में उसका नॉलेज नहीं होगा तो वो अपना टीम को सही तरीका से सही तरीके से वो चला नहीं पाएगा सो उसका नॉलेज भी जो बहुत जरूरी है इस नॉलेज गेन करने के लिए उनको स्टडी करना भी ज़रूरी है और मा मैं, मैं जो बात आज आपको बोल रहा हूँ ये आपको कभी किसी गूगल किसी गूगल पेज में आपको नहीं मिलेगा ठीक है ये क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है और हर चीज़ गूगल पेज में तो मिलता नहीं है तो और कोई किताब में भी आपको ये वाला चीज़ नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एक फीलिंग्स है जो मैं शेयर कर रहा हूँ और एक चीज़ एक सुपरवाइजर भी एक इंसान होता है उसके अंदर भी एक इंसान रहता है उसके अंदर भी बहुत प्रेशर आता है तो वो प्रेशर को वो क्या करता है सुपरवाइज़र वो प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब करता है एबज़ॉर्ब करता है तो ये प्रेशर जो एब्ज़ॉर्ब करता है तो उसके अंदर भी कोई डिप्रेशन कभी कभार कबर आ जाता है क्योंकि ये सबके साथ होता है ये ऐसा नहीं है कि हम सुपरवाइज़र है मेरे साथ हो रहा है ऑफिसर के साथ भी होता है और बहुत बड़ा जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपके ऊपर प्रेशर धीरे 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 बढ़ता जाएगा तो प्रेशर जितना भी बिल्डअप होता रहेगा तो क्या होगा आपका डिप्रेशन लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है क्योंकि आदमी को क्या होता है जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो नींद नहीं आता है वो हर टाइम सोचने के लिए लगता है जे कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा तो ठीक है तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए देखिए सबसे बड़ा चीज है आपको जो डिसीशन आप लेते हैं फॉर टाइम मीन हो सकता है कि आप वो डिसीजन लिए एंड बाद में देखा गया कि वो डिसीजन गलत हो गया ये कोई सुपरवाइजर का भी हो सकता है कोई ऑफिसर का भी हो सकता है और कोई जूनियर स्टाफ का भी हो सकता है तो डिसीजन लेने का टाइम आप आपस में डिस्कस कर लो तो डिस्कस करने से क्या होता है ना वो डिसीजन से ही होता है तो क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक वो रॉन्ग डिसीजन को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग आपस में बात करके ले फिर भी अगर गलत हो गया है तो देखिए अगर आप कोई काम गलत कर लिए है इन सेंस कि आपको डिसीजन गलत हो गया है तो इसका मतलब नहीं है कि आप इंटेंशनली इसको गलत कर लियो कभी कभार अनइंटेंशनली भी कुछ डिसीजन गलत हो जाता है तो ये चीज़ अपना सुपरवाइजर को मालूम है आपका कॉलिक को मालूम है आपका ऑफिसर को भी मालूम है कि आप जो काम किए हो ये अन इंटेंशनली आपका डिसीजन गलत हो गया है तो भाई इसके ऊपर आपको उतना ये नहीं करना है तो सब समझ सब समझेगा ना ये तो अच्छा काम करता है लेकिन फिर इसका डिसीजन किसी कारण से गलत हो गया है तो आप इसको हाईलाइट करो ठीक है इसको छुपाने का कोशिश मत करो क्योंकि आप जितना इस इसको छुपाने का कोशिश करोगे प्रॉब्लम उतना बढ़ता चला जाएगा तो ये इसको छुपाना नहीं है आपको ये आपको कन्फेस करना है ये आपको कन्फेस करना है ये आपको बोलना है सुपरवाइजर अपना हायर अथॉरिटी को बोलेगा जूनियर लेवल में है वो अपना सुपरवाइजर को बोलेगा कि मेरा ये वाला गलती हो गया है तो हर हर अनइंटेंशनल फॉल्ट के लिए हर अनइंटेंशनल गलती के लिए सोल्यूशन है हर जगह में सोल्यूशन है तो इसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा एंड बहुत अच्छा तरीका से ये सॉल्यूशन हो सकता है तो इसको आप कभी मत छुपाओ ठीक है और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक अच्छा इंसान भी आपको बनना पड़ेगा जो यंगस्टर्स है आगे जाके आप लोग सुपरवाइजर बनोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा आपको हर आदमी को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा ये सीखना है आपको और दूसरा चीज देखिए हम लोग जब बहुत प्रेशर में काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है हम लोग का जो मेंटल इम्बैलेंस है ये खो जाता है तो जब हम लोग का मेंटल इंबैलेंस खो जाता है तो नेचुरली वी बिकम वेरी डिप्रेस्ड सो so, जब हम लोग का डिप्रेशन आ जाता है तो क्या होता है हम लोग का काम में और भूल होते जाता है और गलती होते जाता है हम लोग काम करने का जो हम लोग का नेचुरल पावर विल पावर होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरा एक छोटा सा सॉल्यूशन है मुझे ये फीलिंग्स है मुझे ये लगता है कि जो है आपका जो फिजिकल हेल्थ है एंड आपका जो मेंटल हेल्थ है दोनों में एक रिलेशन है अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं हो सकता है तो फ्रेंड्स आपका जो फिजिकल हेल्थ है तो उसको आप ठीक रखो तो नेचुरली आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा एंड आपका आने वाले दिन में जो प्रेशर आने वाला है जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है हर जगह में जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो इसके अंदर एक नया चीज एडोप्ट करने का जो पावर अंदर में होता है ये बढ़ जाएगा आपका सो so, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी रखना चाहिए काम के प्रेशर है मैं मानता हूं मुझे बहुत काम करना पड़ता है आपको भी बहुत काम करना पड़ता है लेकिन ये काम के बीच में भी आपको अपना हेल्थ को ठीक रखना है आपका फिजिकल एक्टिविटी करना है तो ये जब तक ठीक रहेगा तो फिजिक के साथ ये मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा रिलेशन है ये मेरा ये भी मेरा पर्सनल फीलिंग्स है आई डोंट नो आप लोगों का राय डिफर हो सकता है तो ये दोनों के साथ एक तालमेल होता है आपका फिजिक ठीक रहेगा तो आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा आप अच्छा काम भी कर पाओगे सो फिज़िकल एक्टिविटी भी जरूरी है एंड इसके साथ साथ अच्छा डाइट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठीक ठाक डाइट ही एक आदमी को हेल्दी और एनर्जेटिक रखता है सो माई फ्रेंड आप फिजिकल एक्टिविटी भी सही रखो और अनदर थिंग्स मैं वो जो बोलना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अभी हर एरिया में हर एरिया में बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स आ रहा है जो लोग आई आई टी एन है बी टेक है एम टेक है एवन लॉर्ड्स ऑफ आई टी नॉलेज है सो so, हम लोग तो उतना आई टी नॉलेज एक्टर करके नहीं आए थे ऑर्गेनाइजेशन में सो so, हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है ना उनके साथ हम लोग अगर थोड़ा बहुत मिलजुल के काम करेंगे तो उनके साथ हम लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है और उसके पास नॉलेज एंड स्किल है तो हम लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा ये दोनों का तालमेल से आपका टीम बहुत अच्छा काम करेगा सो so, ये जो बहुत बड़ा चीज़ है सबके साथ मिलकर काम करना एंड एवा बॉल आपको एक अच्छा आदमी बनना है टू बी अ सुपरवाइजर गुड सुपरवाइजर ओके थैंक यू फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड वीकेंड Thank you. Thanks a lot.